योगी आदित्यनाथ आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो गाजियाबाद से यह अहम जानकारी आपको बताते हैं, रामलीला मैदान में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा 755 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो गाजियाबाद के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 755 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। आज गाजियाबाद पहुंचेंगे, रामलीला मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलीला मैदान में इसका आयोजन किया गया है। 755 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, रामलीला मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहीं पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता लोकेश राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं वो नोएडा में कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन पहुंचेंगे और यहाँ पर एक प्रबुद्ध सम्मेलन को उनको एक जो है वो संबोधित करना है। वो कवि नगर रामलीला मैदान में शाम को 5 बजे पहुंचेंगे और तकरीबन 1.5 घंटे तक यहाँ पर प्रभु सम्मेलन में शामिल रहेंगे। इसके बाद वापसी इनकी अमौसी एयरपोर्ट के लिए है, गाजियाबाद इंडियन एयरपोर्ट से। दरअसल प्रबुद्ध सम्मेलन का मकसद जो है वो हाल ही में होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव है इसको लेकर के जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक प्रबुद्ध जन जो है वो बीजेपी की तरफ से जुटाए गए हैं। इसके अलावा 878 करोड़ के 755 योजनाओं का जो है वो लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।